हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए एक नया वीडियो। बस कल के मेले वाला ही है, जो बच्चों पे है, खिलौने से संबंधित है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। कहानी ये है, कहानी ही समझ लीजिए आप लोगों के बच्चे वैसे भी करते हैं। कल हम लेके आए थे खिलौना, आप लोगों को दिखाया था अभी। ये ट्रेन लेके आए थे और इस ट्रेन का ये देखिए पहिया, अभी तो हमने लगा दिया है इसमें सारे पहिए, एक एक करके सब गायब। मैकेनिक गिरी चालू, घर आते ही सामान की मैकेनिक गिरी चालू। और इसका हाल देखिए, इसका मुंडी कहाँ गया, हाथ कहाँ गया पता नहीं। ये रहा मुंडी, ये रहा हाथ। कपड़े भी गायब थे, लेकिन हमने कपड़े पहना दिए, हमने कहा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ही। ये भी एक लेडीज़ के जैसे ही है, तो हमने कहा कपड़े पहना देते हैं। मतलब कि अब देखियो, इसको गौर से देखिए। कल से लाए हैं, तब से एक ना एक मम्मी इसकी मुंडी अलग हो जाती है। मम्मी ये जब लेटती है तो इसकी आंखें क्यों बंद हो जाती है, ये देखिए आंखें बंद हो जाती है ना, इसलिए। सवाल पे जवाब, मतलब बच्चों का जब तक खिलौना नहीं दिलाओ तब तक कि खोपड़ी खा जाएंगे। और जैसे ही दिला दो, इसे ही मैकेनिक गिरी चालू, इंजीनियर गिरी चालू। ये देखो, अब क्या कह रहे थे कि इसकी मम्मी रबड़ निकाल लो मम्मी, तुम्हारे काम आ जाएगी। हमने कहा नहीं निकालो, समझाया। हमने कहा उसके बाल खराब कर तो क्या मम्मी, इसके बाल देखो इसमें चिपके हुए हैं। कितना बोलते हैं आजकल लोग के बच्चे, कितने टैलेंट कहते हैं मम्मी बाल तो इसमें घुसे हुए हैं, तो कहाँ से इसके बाल खराब हो जाए। हमने कहा नहीं, समझाया फिर समझे। अब कहते हैं मुंडी भी अलग है इसके, पैर हाथ भी अलग हो जाते हैं। ये होती है बच्चों की कहानी। हर घर में अक्सर ये कहानी होती है कि जब तक बच्चों को सामान ना दिलाओ तब तक तो वो परेशान कर लेंगे वहाँ मार्केट में जाके या बाज़ार में जाके, मतलब कि मेला हो या कहीं भी दुकान पे जाएंगे तो परेशान कर लेंगे। उसके बाद जब घर आएंगे तो सामान दो मिनट में नहीं लगेगा, उसका आंगा तांगा वो सब ढीला। तो ये है हमारे बच्चों की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बस हमको इतना ही, ऐसा ही वीडियो बनाना आता है दोस्तों, इसलिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ कमेंट मी।